क्या रहेगा यहाँ पर टीम का रवैया, कि उतरना उसी जगह पर ही है या फिर कहीं और। फिलहाल तो देखिए पैराडाइज रिजॉर्ट की तरफ राइवलरी के ही खिलाड़ी वहाँ पर जाते नजर आए, कोई कॉलिजन हमें देखने को मिलता वहाँ पर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें पायनान, तो वहाँ पर आपको गॉड लाइक के खिलाड़ी जाते हुए वैसे मोस्टली नजर आते हैं। लेकिन ये जो गोलियों की आवाज आ रही है, तो जी हाँ यहाँ पर शुरुआत फाइट राइवलरी की तरफ से ही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक खिलाड़ी शायद कहीं ना कहीं कोई टीम का उधर की तरफ पहुंचे, और साथ साथ बूट कैंप की तरफ भी कुछ फाइट हमें देखने को मिल पा रही है। चल लीजिए, बूट कैंप के रीजन पर आपको एक फाइट देखने को मिलेगी जहां सी गॉड ऑलरेडी डाउन कर दिए गए। कोशिशें जारी हैं कि वो अब इस फाइट में अपने टीममेट को बचा पाए, उन्हें रिवाइवल दे पाए। चलिए रिवाइवल भी मिल जाएगा, बट रैंगटन उनके पास अभी भी चारों खिलाड़ी हैं, उनके पास आपको वेपन्स भी नजर आ रहे हैं, यानी वो फाइट में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट हेलमेट वेस्ट वो उन चीजों की कमी को कैसे पूरी करेंगे जो कि आपको टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स के पास नजर आने वाली है। बट इतना ज्यादा एक्सपोज करना भारी पड़ सकता था। एकेओपी उन्होंने सही मौके पर वो कवर फायर प्रोवाइड किया, जोनाथन को डाउन किया और ग्रेनेड के साथ उनकी और भी ज्यादा एचपी कम हो चुकी है, तो सही मौके पर अगर उन्हें हील कर दिया गया तो काफी बेहतर तरीके से यहाँ बचते हुए नजर आएंगे। बट आप देखिए प्लेयर्स को कंफर्म किया जा रहा है और फाइनली जोनाथन का एलिमिनेशन, एक एक करके प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं टीम गॉडलाइक से। शैडो को डाउन कर दिया गया, अब उनके टीम से बचे हैं मात्र दो खिलाड़ी। यहाँ से दो खिलाड़ी बचे हैं और सामने टीम की तरफ से अगर हम बात करें, जी गॉड एक लौते प्लेयर बचे हुए हैं। देखिए आज के दिन में हमने ये दूसरी बार देख पा रहा हूँ मैं जी गॉड जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, एक 1v3 ऑलरेडी करके दिखाया गया था, बट उस समय पे एंटिटी गेमिंग ने उनको एक ही झटके में गेम से बाहर कर दिया था। बट अभी हो चुके वाइप आउट। जी हाँ, यहाँ पर एक वाइप आउट हमें देखने को मिलता नजर आएगा। पहले भी देखा जाए तो गॉड लाइक ने जब भी बूट कैंप की तरफ जाने की ठानी है, हमेशा एक एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर नजर आया है। अगर पाइनान जो उनका प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन वहाँ पर रहते तो शायद अभी सर्वाइवल चलता रहता, लेकिन जो भी है एक ही झटका वहाँ पर दे पाए हैं और ओरेंगोटैन सर्वाइव करते नजर आएगी। कोशिश रहेगी कि अब यहाँ से बिल्कुल अलर्ट के साथ खेला जाए, अब यहाँ से एक और कैजुअलिटी बिल्कुल भी अफोर्ड यहाँ पर नहीं करना चाहिए टीम ओरेंगोटैन। लेकिन चलिए अभी के लिए हम दूसरी टीम की तरफ भी जरा रुख करेंगे, देखते हैं क्या चल रहा है। Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this.